आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। कन्हैया कुमार के सभा स्थल के बाहर काला झंडा के साथ मुर्दाबाद का नारा लगा रहे लोगों के साथ पुलिस की नोकझोंक हो गई। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में छात्र शक्ति के संयोजक सौरभ तिवारी और राहुल दुबे शामिल हैं। इन लोगों को हिरासत में लिए जाने की मुख्य वजह से सड़क के किनारे पोस्टर लगाकर विरोध तथा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालना था। दूसरी तरफ काला झंडा दिखाते हुए मंच के करीब पहुंच विरोध प्रदर्शन करने में हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश विद्रोही, मुकुंद सनातन, राजीव पाठक, पंकज उपाध्याय और ऋतिक राजपूत को भी हिरासत में ले लिया गया है। थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि सभी को हिरासत में लेकर थाने में बैठाया गया है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुत्व तोड़ने की बात कर रहे हैं और मनुवाद तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कौन सा नियम है कि आप हिंदुत्व और मनुवाद को तोड़ रहे हैं? हिंदू का देश है और उसी को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या घर में अपने गुंडागर्दी करके और तुम हीरो बन सकते हो? ये कभी नहीं। तुम देश की बात करो और तुमको हम हीरो बनाएंगे, लेकिन देश तोड़ करके तुम हीरो नहीं बन सकते हो कन्हैया। हम तुम्हारा आजीवन विरोध करेंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। हम लोग आम आदमी की तरह है, हम चाहते हैं कि तुम संयम से अपना काम करो। आपका परिचय? मैं प्रदीप कुमार ओझा, इटाढ़ी प्रखंड का महामंत्री बीजेपी का। धन्यवाद सर। जैसा कि हम बोलना चाहते हैं, जो लोग देश के तोड़ने के बात करते हैं, जो लोग देश को अखंडता के विषय में गलत बात करते हैं, जो लोग हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं, उन्हें हम नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हिंदू का विद्रोह करेगा हमारे देश की रहने का लायक नहीं है। देश के गद्दारों को गोली मारो। अगर आज टेंडेंसी चली है मोदी का विरोध करो, हिंदू का विरोध करो और सबसे पहले राजनीति में ऊपर आ जाओ। कुछ चंद लोग अपनी सफलता के लिए हिंदू तोड़ने के बात करते हैं और फिर अपना राजनीति चमकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कन्हैया कुमार पहले देश तोड़ने की बातें करता है, अब हिंदू तोड़ने की बातें करता है और इंडियन आर्मी को भी गाली देता है और फिर अपना राजनीति चमकाने के विषय में सोचता है। अरे हमारे देश की रहने के लिए हक क्या है? हम बोलते हैं यहाँ से वापस जाओ, बक्सर छोड़कर। तुम्हारे जैसा नालायक यहाँ पर वोट पैदा हुए, यहाँ से जाओ। तुम मुसलमान का सपोर्ट करते हो? मैं कहते हैं पाकिस्तान में पता नहीं क्या है।